देख नहीं रहे मैं कमरा सेट कर रही हूँ। हाँ शादी का कमरा लग रहा है। तुम्हारे मेहमान तो काफी खाते पीते घराने से लगते हैं। बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं। जाहिल होते लेकिन जरा माकूल होते तो कोई एतराज नहीं था मुझे। मेरा घर तो पढ़े लिखों का आतिशफिशां बनकर रह गया। खामद पढ़ा लिखा, नौकर पढ़ा लिखा और तो और पे गेस्ट पढ़ा लिखा और घर में कमबख्त एक चमन्नी तक नहीं निकलती। सुबह ही आंगन में टहलती हूँ, जरा देर से उठियो। भाई जैसा आप कहेंगी वैसा ही होगा। भाई ये अखबार को तकिए के साथ रख दो। क्या दो तकिए रखते हैं? नहीं भाई मेरे पेट में दर्द है, तकिया मैं पेट पर रखता हूँ। अच्छा अच्छा ये बताओ यहाँ सुबह नाश्ते में चाय के साथ क्या मिलेगा? जितने पैसे आप दे रहे हैं ना उतने में आपको चाय के साथ सिर्फ न्यूज़पेपर ही मिल सकता है। क्या मतलब? अरे छोड़िए चलें, आप ये बताइए कि इससे पहले आप कहाँ रहते थे? भाई किसी और के यहाँ पेइंग गेस्ट थे। हाँ तो वो जगह क्यों छोड़ दी? भाई मालिक के मकान किराया बहुत ज्यादा मांगते थे। हैं? क्या 700-800 रुपए? नहीं भाई ऐसा ज्यादा नहीं, दिन में 3-4 दफा मांगते थे, किराया बस 200 रुपए ही था। अच्छा यू करो मेरे लिए चाय पकड़ लो। क्या चाय इस वक्त? भाई हम सहाफी हैं और चाय का कोई वक्त नहीं होता। अच्छा आई विल ट्राई, बाय बाय। अरे भाई अकबर जी, वो हमारे गेस्ट क्या कर रहे हैं? फिलहाल तो तंग कर रहे हैं। क्या मतलब? चाय मांग रहे हैं इस वक्त। हाँ तो दे दो ना। अच्छा आइए मालिक के मकान साहेब, आइए हुजूर बैठिए। जी ना तो ये मकान है और ना मालिक, ये मेरा नाम महबूब अहमद है। जी आइए तशरीफ रखिए। अरे किबला आप जमीन पर क्यों? भाई जहाँ सहाफत है वहाँ हम। जी आइए तशरीफ रखिए। जी जी आप कौन से अखबार में होते हैं? जी मैं डेली जमीर में मुलाजिम हूँ। हाँ वो तो इखलाक का अखबार है। जी जी आप दुरुस्त कह रहे हैं, इखलाक के मरने के बाद उसके बेटों ने उसे बेच दिया। क्यों? जमीर को इश्तिहारात नहीं मिल रहे थे, लॉस में जा रहा था। आपके वालिद क्या करते थे? जी वो भी सहाफी थे। अरे कुछ तो छोड़ के गए होंगे आपके लिए। जी एक आधा लिखा हुआ कॉलम छोड़ के गए। जो उनके मरने के बाद मैंने ही लिखा। अरे आप परेशान मत हो, इसको अपना घर ही समझिए। अच्छा जी, जी। चलो फिर चाय मंगवाओ मेरे लिए। अकबर अकबर क्या है ये? चाय है, मेहमान ने मंगवाई है। कौन सा वक्त है ये चाय का? बुरा वक्त है। सीधी तरह जवाब दे। नहीं बहुत बुरा वक्त है ना। 200 रुपए महीना और चाय के शौकीन। चल अंदर आ। अच्छा। चल अंदर आ। वैसे वो आपका इंटरव्यू लेना चाह रहे थे। क्या कह रहे थे वो? कह रहे थे कि बेगम साहबा का इंटरव्यू लेना है मैंने। अच्छा तो चाय खाली क्यों लेकर जा रहा है, साथ में कुछ खाने के लिए भी लेकर जा? कहा था कि सिर्फ चाय लाना और चाय के साथ कुछ मत लाना। अकेले कैसे चाय पियेंगे, ला ये तुम मुझे दे जाओ। अच्छा साफी भाई इधर आइए आपको बेगम साहबा बुला रही हैं। आइए 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 जल्दी आई है ना। आइए 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 आपको बेगम साहबा बुला रही हैं। आइए आइए ना बैठिए ना। मैं दिसंबर की 15 को पैदा हुई। मैं 14 अगस्त को पैदा हुआ।
लड़का ही होता। तू बीच में मत बोल। बहुत खूबसूरत होती थी मैं। अल्लाह ताला ने बचपन ही से पढ़ाई लिखाई का बड़ा शौक दिया था मुझे। क्या खूबसूरत आवाज होती थी मेरी कोयल जैसी। घुड़सवारी मैं करती थी, तीरंदाजी मैं करती थी, शरीर में बहुत थी, बहादुर भी बहुत थी। बिल्कुल फूलन देवी के बचपन का इंटरव्यू लग रहा है। मैं समझ गया, आप लिखते जाइए, इंटरव्यू हर वक्त चाय मिला करेगी। अच्छा जी। फिर खुदा का करना ये हुआ कि चाय लीजिए ना। मैं देखता हूँ, आप बैठिए। हमारे एक जानने वाले थे मनहूस, कहीं से रिश्ता लेकर आ गए। माँ बाप ने कबूल कर लिया, शादी होगी मेरी। हा हा, मियाँ औसत दर्जे के एक सरकारी अफसर है। सब कुछ ही खत्म होकर रह गया, ये जहेज मेरा कबूतर खा गए। सिर्फ तीन अंगूठियाँ ही बची हैं। फिर 50 में ये हुआ कि आप बैठिए। फिर 50 में मैं देखता हूँ, बैठिए ना। फिर 50 में ये हुआ कि चौधरी आ गए। 50 में चौधरी आ गए। भाभी ये क्या हो रहा है? मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं ये। इंटरव्यू तो मेरे भी बड़े हुए हैं, आपने घर पर मेरा कोई इंटरव्यू नहीं लिया। जी नहीं। तो फिर मैं ऐसे करता हूँ, घर जाता हूँ, अपनी कोई तस्वीरें वसीरें ले आता हूँ। हैं देखिए मैं थका हुआ हूँ और ये कोई वक्त नहीं है इंटरव्यू का। ओ पुत्र तुलो पर गर्दने रावी, हैं तुलो पर गर्दने रावी, गया वक्त फिर आता नहीं। अकबर पुत्र तुम आओ मेरे साथ। क्या पुत्र पुत्र लगा रखी है? ओ पुत्र आओ ना एल्बम लेके। आपको कहा है मुंह मत पकड़ा करो मेरा। ओ पुत्र घर वाले प्यार से मुझे जानू कहते थे। जानू? आप मत कहिए। ओ जी माशाल्लाह, ऐसा करिए आप अपने बारे में सोचिए, मैं अभी आता हूँ। आप रुकिए तो सही, मैं अपनी जवानी की खूबसूरत खूबसूरत तस्वीरें निकालती हूँ। ठीक ठीक। और निकाल के रखती हूँ। पर आप आइएगा जरूर, चाय के साथ शामी कबाब चलेंगे। जी शामी कबाबों के बगैर तो चाय का लुत्फ ही नहीं। बेचारी बेवा है, ये अपनी इल्मी काविशों की वजह से अभी तक ना हुआ नहीं हुई है। आप ऐसा करें कि आप क्यों रो रहे हैं? मैं नहीं रो रही, मैं तो अपनी बेवगी को अल्लाह की देन समझकर खुश होती हूँ। आप ऐसा करें ओ पुत्र, करे बरे कुछ नहीं, हमारा नुक्ता नजर बलबला अंगेजी की हद तक तरक्की की तदवीन में फंसा हुआ है। आइए मैं कोई तस्वीरें और सन 1945 की लाया था। मैं जा रहा हूँ। ओए भाई जरा तस्वीरें तो देख। तस्वीरें तो देखिए। अब खूब से खूब तर की पहचान तो आपको ही करनी होगी। मौसम सरमा था, मैंने पहली बार फूल लगाया था कि रिश्ता आ गया। मारी के मकान साहिब का है। उधर होंगे। अच्छा सुनिए तो। आइए आइए साफी साहब, आइए बैठिए, चाय मंगवाऊं आपके लिए। आप बताइए आप कहाँ पैदा हुए? अरे मैं भी आपको अपनी कहानी सुनाने वाला था, अगर पसंद आए तो छाप दीजिएगा।
अकबर मैं बुलाता हूँ अकबर को। नहीं, नहीं आप बैठिए मैं बुलाता हूँ। नहीं जहमत कैसी, मेरा ही घर है, मैं बुलाता हूँ अकबर। अरे सहाफी भाई आप आइए आइए, मैं आपको एक दास्तान सुनाता हूँ। जर्मनी में स्टेज के डन मैं बुलाता हूँ पुलिस को। अरे मुझे पता था मेरा इंटरव्यू बीच में ही रह जाएगा। मेरी नंदे थी, दो मेरे देवर थे, एक मेरी सास थी। भाई ये तस्वीरें देखिए 1945 साल में ऐसी तस्वीरें आपको भी मिस हो जाता है। ये देखिए मेरे भाई ये तस्वीरें मेरी देखिए तो फिर चौधरी साहब की तबीयत मालूम करने आया था। वो तो ठीक है पर आप पानी पी के उबाला करें। जी? मेरा मतलब है पानी पी के उबाला करें। जी? मेरा मतलब है पानी उबाल के पिया करें। जी, जी। ये तशरीफ रखिए, बताइए आपके लिए चाय लाऊं कि ठंडा? नहीं नहीं आपको ऐसी जहमत होगी रहने दीजिए। ये तो आप ज्यादती कर रहे ना, बताइए चाय लाऊं कि ठंडा? चले आप इतनी जहमत कर रही हैं तो ऐसा कीजिए कुछ ऐसा ले आइए जिसमें देर लगे। फिर मैं आपके लिए फ्रूट केक बना के लाती। जी जी मैं आपके लिए फ्रूट केक ले गया दी। ये बंदूकें इससे पहले मैंने यहाँ नहीं देखी। ये हमारी खानदानी बंदूकें हैं, ये भाईजान चौधरी ने लगाई हैं। और ये बंदूक? ये भाईजान चौधरी की है, इससे इन्होंने शेर मारा था। जी जी और ये बंदूक? ये मेरे बज की, इससे इन्होंने मगरमच्छ मारा था। अच्छा जी। और ये बंदूक? ये मेरे दादा की है, इसे इन्होंने दो भतीजे मारे थे। जी वो दादा अब्बा के साथ तलख कलामी कर रहे थे ना तो उन्होंने मार दिए। भाईजान आगे मैं आपके लिए फ्रूट केक बना के, कहीं जाइएगा नहीं? आइए आइए मैं भूख पाई। आने की इतला तो की होती। बस चौधरी साहब आपकी खैरियत मालूम करने आया था। तबीयत तो अब ठीक है। चौधरी साहब ये लीजिए आपकी तकरीर, ये लीजिए। जी मैं भाई बहुत शुक्रिया आपका। आए मैं आपको अपना कार दिखाऊं। हाँ जी बोलिए। शायद तमद्दुन आपके करीब से नहीं गुजरा। तमद्दुन करीब से गुजर कर देखे ऐसा हाथ मारेंगे। अच्छा ये बताइए कि यहाँ कोई कमरा किराए पर खाली है? 400 विद फूड। कोई बात नहीं, बात है मगर कमोड टूटा हुआ है। कमोड टूटा हुआ है क्या मतलब? कमोड टूटा हुआ है क्या मतलब? आप बाथरूम का पूछ रहे हैं ना? जी हमने आज तक अपनी फैमिली का नहीं पूछा, बाथरूम का क्या पूछेंगे? आप हैं कौन? एक इंसान। अच्छा हुआ बता दिया वरना कोई चूक हो जाती। क्या मैं कमरा देख सकता हूँ? सिगरेट कम पिया करें, गुल हो गया तो कमरे का किराया कौन देगा? आइए। ये बताइए कि साहिब खाना क्या करते हैं? साहिब खाना खातून खाना है। साहब वैसे बहुत ही शरीफ आदमी हैं, सिर्फ बेगम साहिबा से डरते हैं, सरकारी रिटायर्ड अफसर हैं। आइए आपको कमरा दिखाऊं आपका। चलिए आइए आइए, ये रहा आपका कमरा। तो भाई ये कमरा है? कोई आसान सवाल कीजिए। अच्छा ये बताइए कि यहाँ फर्नीचर और क्या क्या है? ये कुर्सी है। सिर्फ कुर्सी? इस कुर्सी के बाद किस फर्नीचर की जरूरत रह जाती है आखिर?
अच्छा ये बताइए कि ये जो गुसल खाना है इसमें पानी आता है? इस गुसल खाने में सिर्फ गुस्सा आता है। लेकिन तुम बातें किस तरह की कर रहे हो, मुझे ये बताओ, मैं लेटूंगा किस पर? अपनी पीठ पर। मेरी पीठ? क्यों, क्या मैली है? वैसे तुम बहुत ज्यादा बोलते हो, ये बताओ कि तुम्हारे पास ओढ़ने के लिए कोई चादर वगैरह होगी? चादर है, लेकिन पांव कितने फैलाओगे उतनी ही चादर दूंगा। अच्छा बात सुनो। जी। गजल सुनोगे? चादर चाहिए या नहीं? जाहिर है चाहिए। तो फिर आइंदा कभी गजल सुनने को मत कहना। मैं समझ गया, शायरी का शौक नहीं है तुम्हें। शायरी का शौक बहुत है, नहीं सुनने की हद तक। अच्छा मैं चादर लेने जा रहा हूं, मेरे आने से पहले अपना पोज चेंज कर लीजिएगा। क्या मतलब? और कपड़े तो आपके पास हैं नहीं, कम से कम पोज ही चेंज कर लीजिएगा। चादर पोज। आई महबूब अहमद, ये क्या चीज बैठी है? अरे अरे भाई साहब, भाई साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप लोग दरअसल लेट पहुंचे हैं, मैं ये कमरा पहले ही किराए पर ले चुका हूँ, 400 रुपीज। अकबर। आहिस्ता आहिस्ता। क्या आहिस्ता आहिस्ता? सरकती जाए है रुख से नकाब, आहिस्ता आहिस्ता। अकबर के बच्चे कहाँ मर गए? मैं बुलाता हूँ अकबर को। अकबर, अकबर जी, 400 रुपीज मैंने ये कमरा किराए पर लिया है। कितनी दफा कहा इतनी जोर से मत पुकारे कीजिए, दोनों दफा चादर हाथ से छूटते छूटते रह गई। ये है मकानदारनी और ये है 400 रुपीज शायर। कमबख्त तू ये बता कि तू हमारा मुलाजिम है या हम तेरे मुलाजिम हैं? हैं? जब मैंने तुझसे कहा था कि कमरा सितंबर तक किराए पर नहीं चढ़ेगा तो ये कैसे आ गया? ठीक है ठीक है, मैं समझ गया, जैसा आप फरमा रही हैं वैसा ही हो जाएगा, मैं सितंबर तक यूं ही रह लेता हूं, किराया सितंबर से देने लगूंगा। मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूं। वैसे मियां क्या नाम है तुम्हारा? अकबर। वैसे अकबर मियां तुम्हारी बेगम साहिबा की जुबान बहुत खराब है, ये आखिर हैं कौन? बस क्या कहें साहब, यूं समझ लीजिए मलका तहतुल लफ्स हैं।